वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की गया से, जहां जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड और बेटे पर एक छात्र की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सड़क पर पास नहीं देने पर मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड और बेटे ने गोली चलाई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है। जिस छात्र की मौत हुई है उसका नाम आदित्य राज है। खबर है कि आदित्य अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी से लौट रहा था, पीछे से जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी की गाड़ी में उनका बेटा और बॉडीगार्ड थे। उन्हें सड़क पर जब आदित्य की गाड़ी से पास नहीं मिला तो पहले उन लोगों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और फिर आदित्य और उसके दोस्तों की जमकर पिटाई की। फिर वो लोग हवा में फायर करने लगे। जब फायरिंग के डर से आदित्य और उसके दोस्त भागकर गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से एक गोली चलाई गई और वो गोली कार के शीशे से होते हुए आदित्य के सिर में लगी। इसमें आदित्य की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बॉडीगार्ड और एमएलसी का बेटा फरार हो गए हैं। और संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, क्या दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी जिस विधान पार्षद की गाड़ी थी मनोरमा देवी की, उनके पति बिंदी यादव को पुलिस ने थाने में बुलाया है और उनसे अभी पूछताछ चल रही है। बिंदी यादव पहले आरजेडी में थे, जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये जो गाड़ी थी जिससे गोली चली है वो जेडीयू के विधान पार्षद मनोरमा देवी की है। रात की ये घटना है। बर्थडे पार्टी से आदित्य राज अपने कुछ दोस्तों के साथ बोधगया से लौट रहा था, तभी रास्ते में विधान पार्षद की गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी उस गाड़ी को, लेकिन जब इसमें कामयाबी नहीं मिली तो फिर थोड़ी दूर बाद जाकर विधान पार्षद की गाड़ी रोकी गई और उस गाड़ी से जो बॉडीगार्ड थे, जो विधान पार्षद का बेटा था, उसने उतरकर उन सभी लड़कों की पिटाई की और इसके बाद हवाई फायरिंग की। और जैसे ही फिर वो लोग हवाई फायरिंग से डर गए और भागने लगे गाड़ी में बैठ। बिल्कुल सीधा सीधा नीतीश, ये रोड रेज में हत्या का मामला बनता है, ऐसे में आदित्य के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है? देखिए, आदित्य के पिता अभी थाने पर हैं, आदित्य के परिवार वाले हैं और उनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बॉडीगार्ड के साथ साथ गाड़ी में जो सवार उनका बेटा था उन पर भी आरोप लगाया है परिवार वालों ने कि गोली दोनों ने चलाई है। और फिलहाल अभी वहां पर जो परिवार वाले हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, शव उनके घर पर पहुंच चुका है। गाड़ी छोड़कर एमएलसी, बिल्कुल पुलिस की कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द दोनों की गिरफ्तारी हो, ना सिर्फ एमएलए के बेटे की बल्कि साथ ही उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की भी।